ओ चूतिया रहोगे हम सफर। एग्जैक्टली नू बता तू है किधर, 2 मिनट में आ जा इधर। अरे ओ कहाँ जा सवेर सवेरी? पप्पू जब लाइन बाजू में दम है नहीं किसी लौंडा की गुलामी ना करने का। बात तो ठीक है पर ये बाथरूम में बनने क्या बात थी। चल खैर मरने तो चौथ देखू। बोलो साहू कैसे याद करा? अरे नीरज नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? अरे पता ना सुतरा लोंडिया गुलामी पुलामी पता नहीं क्या गाड़ता है, कह के बाथरूम में पड़ गया। यो भी साला काम का ना हिले कर दुश्मन है लोली का। खैर साहू इसी महापुरुष ने ठीक ही कहा कि साला किल्लत की चूत इज्जत की मुठ अच्छी। कौन है वो महापुरुष? महर्षि लीलू लंडेत। खैर साहू तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम नु बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अरे क्यों बुलाता, प्रधान के इलेक्शन आ रहे, मैं सोच रहा हूँ मैं भी खड़ा हो जाऊँ। हाँ तो ठीक बात है, फिर खुल के खड़े हो, इसी बहाने तो मैं खड़ा होना सुख तो मिला कम से कम। अरे क्या अलपताल भोंक रहा तू? कुछ नहीं ताऊ, मैं कह रहा था कि पैसा चाहिएगा उसके लिए तो, अब तो मैं पता पैसा होगा गांड की तरह, सारा हुआ सबके पास है पर देता कोई नहीं। अरे पैसे की दिक्कत नहीं है, कमला पसंद ही फ्लिपकार्ट दिखाया जा रहा आजकल। हाँ ठीक है फिर तो अच्छी बात है, पर फिर भी मैं तो इतनी सलाह जरूर दूंगा कि ताऊ डंडा उतने अंदर लियो जितनी गहरी गांड हो। नहीं मतलब मेरा कहना का यह है कि पैर उतनी फैलाइयो जितनी बड़ी चादर हो। रेमेलिल चल ठीक है, मैंने कही थी तू जब भी उठेगी मैं तेरा बना लूंगा, पर इसमें यो थोड़ी ना तू हर टाइम की गांड जैसा मुंह बनाओ बैठी रहोगी। बस लीलू तू इसकी तरह बाबू बच्चे के चक्कर में मत पड़ जाइए। तो डोंट वरी आई हैव ओनली वन बच्चा दैट इज इनसाइड में एक अच्छा। रह जा चला जा, कल को भाजन माजिए टाइम से। अच्छा साहब ठीक है आ जाऊं आ जाऊं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं गांव खेड़ों में बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से अगर चुते करते टाइम बीच में लाइट आ जाए तो पति उठ के मोटर चालू करता है और पत्नी फोन चार्जिंग में लगाती है, चुते गई बाहर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल खेतों में जुताई बुआई खुदाई कम बांध की लड़ाई ज्यादा हो रही है, डेली कुछ बांध के लड़े जोड़े दोनों स्टेशन से आते हैं और मिल के बराबर वाले खेतों में दह चुताई करते हैं, जिसकी वजह से खेतों में भारी भरकम नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे प्रधान जी सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ आरबीसी कैटेगरी के लोग भी बैठे हैं। जी हाँ आरबीसी यानी रोमांटिकली बैकवर्ड क्लासेस। जी हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे रनवे भी हैं जिन्हें गांव में बिजली पानी तेल तम्बाकू लवड़ा लहसुन भांग घोसड़ा इससे कोई मतलब नहीं है, उनके बस सेटिंग हो जानी चाहिए। ऐसे युवाओं को हम चूत में आरक्षण दिलवाएंगे। जब तू खुद कह रही थी कि सच्चे प्यार में भूख प्यास समिट जा तो केएफसी और मैकडी में अपनी मां दुकान जावे थी तू। हाँ तो बारिश की वजह से जो फसलें ढह चुकी हैं उन पर मैनफोर्स और व्याग्रा जैसी भयंकर चूतनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाकर उन्हें दोबारा खड़ा किया जाएगा। और आखिरी में जिन लोगों की सेटिंग है उन्हें बता दूं कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड पे भी बराबर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के चक्कर में तुम्हारी खुद की सरकार किसी और को समर्थन दे दे और तुम निहलाते रह जाओ नू, समझ गए? इन जैसे भड़वे तो खड़े होते रहना कभी। मौसम और क्रिकेट तो वैसी बदनाम है, असली रंग तो तम जैसा नेता बदलो। अरे यही तो पॉलिटिक्स है बेटे, सब कुर्सी का खेल है कुर्सी का। हाँ वो तो सुनाई था पर आज देख भी लिया कि साले सारे नेता ना एक ही थाली के खट्टे टट्टे हुए हैं। और तो इसको तो पता चलो तम भी अपने फायदे के लिए इससे मिल गए हैं, तुमने बताई थी कि आदमी भरोसा लायक है ही नहीं। क्यों भाई भरोसा लायक क्यों नहीं है? इससे तो बढ़िया आदमी देखा मैंने आज तक। अरे
समझा था जो आदमी अपनी जरा सी खुशी के लिए अपने लोड़े को मसल सका है वो साला किसका सगा होगा। अरे तू अपना काम कर, इससे तो सज्जन आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं। सज्जन है यो, अब अगर इसे गौर से देखोगे ना तो तुम्हें एक ही कहावत याद आओगी कि चोर की झांट में तिनका। प्रधान जी तिनका तो दाढ़ी में होता दिखा है। बेटे जिनका दाढ़ी ना होती ना तिनका उनकी झांट में हो। अरे तिनका कहीं भी हो, गरीब बकुलिया लड़ते लड़ते खुद अमीर बन जाओ, यही तो है पॉलिटिक्स। और जनता की ना सुख के वादे चढ़ाते जाओ है नी। उसका तो खैर मुझे पता था पर मुझे थार से यो उम्मीद नहीं थी। अरे बस तू रहने दे, तेरे चक्कर में रहता था ना जूता और फिरता मेरे भाषण में। ये तो ये भले मानस मिल गए, ये देंगे मुझे अब इलेक्शन का फंड। तो कौन सी गलत फहमी में जी रहे तुम, जो देगा तुम्हें फंड। अरे जो साला एक रुपए के ब्लेड को आज भी तीनों जगह इस्तेमाल करते हैं, साला कंजूस लंड चूस मतलब मक्खी चूस। तो अपने रहते हुए गांव में ऐसा चुदा अपना होने दूं मैं, तुम दोनों के खिलाफ इलेक्शन अब मैं लड़ूंगा मैं। बेटा अगर हमारे खिलाफ लड़ेगा ना इलेक्शन तो पहले अपनी गांड को दिला ले पुलिस प्रोटेक्शन। अरे तू दिमाग के कितने घोड़े दुड़ा, प्रधान नहीं तो तू भूल जा, तुझे चुनाव चिन्ह भी मिलेगा। प्रधान जी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, प्रधान जी की कुर्सी तो हमें ही मिलेगी, इसे तो कोई गली का कुत्ता वोट भी नहीं देने का। अरे बेशक इस गलत फहमी को तू अपनी खुशी समझ ले, अरे बैठ मेरे लबड़े पे बेटे इसकी कुर्सी समझ ले। अरे हरा के तुझे इलेक्शन में पलट दूंगा तेरे पैर और साले पानी में रह के मगर मस्सा बैर। बेटे बैर तब हो चुका, अब होगी कबर खुदाई और मैं बताऊंगा पानी में रह के कैसा हुआ मगर मच्छी की चुदाई।